हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, 2020-21 के लिए बजट में हरेक जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से अटैच करने का प्रावधान है। ये जो आप इंडिया टुडे का न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सरकार ने शनिवार को योग्य डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मौजूदा जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा है। इस वीडियो के अंत में हम ये चर्चा करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड क्या होता है। इसमें आगे लिखा है कि 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ साथ योग्य चिकित्सा डॉक्टरों की भी कमी है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि वो राज्यों को पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज को हॉस्पिटल की फैसिलिटी की अनुमति देते हैं और कंसेशन पर भूमि प्रदान करना चाहते हैं, वो विजिबिलिटी गैप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्टेट इस स्कीम की डिटेल पर काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रेजिडेंट डॉक्टर डिप्लोमा और नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत नेशनल बोर्ड कोर्स करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े हॉस्पिटल को प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों, ये अभी स्टेट पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से इस पर काम करते हैं, इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। उनको प्रपोजल बनाकर सेंटर को भेजना होगा। ये स्टूडेंट के लिए अच्छी खुशी की बात है। हालांकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। मेडिकल कॉलेज बनकर रन होने में कम से कम 2-3 साल का समय तो लग ही जाता है। अब हम बात करें कि PPP मोड क्या होता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंडर जो कॉलेज रन करती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है। इसमें कुछ सीटें गवर्नमेंट फीस पर होती हैं तो कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा फीस पर भरी जाती हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में MBBS की काफी सीटें इंक्रीज होनी हैं। अभी नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए भी काफी सीट इंक्रीज हो रही हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।